फडणवीस के घर बैठक का टारगेट बीएमसी या विधानसभा, कंफ्यूज क्यों है बीजेपी के एमएलए और सांसद, समझिए। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के घर पर शनिवार की रात मुंबई के विधायकों और वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई। इस बैठक में मुंबई के सभी सांसदों, विधायकों और प्रमुख नेताओं को बुलाया गया था। बैठक में शामिल हुए कुछ विधायकों ने बताया कि बैठक में आगामी बीएमसी चुनावों को लेकर चर्चा हुई। विधायकों से उनके विधानसभा क्षेत्रों में लटके पड़े प्रोजेक्ट्स की जानकारी ली गई। बैठक के बाद बीजेपी के विधायकों को ये समझ में नहीं आया कि फडणवीस का टारगेट बीएमसी के चुनाव है या फिर आगामी विधानसभा चुनाव। बीएमसी में एक साल तीन महीने यानी पिछले 15 महीने से प्रशासक नियुक्त है। प्रशासक यानी बीएमसी कमिश्नर राज्य सरकार के अधीन है। वार्डों में सारे काम राज्य सरकार के दिशा निर्देश पर हो रहे हैं। ऐसे में बीएमसी चुनाव की जल्दी किसे है? ऐसे में सवाल उठता है कि फिर बीएमसी चुनाव के नाम पर बैठक का प्रपंच क्यों? बकौल एक विधायक, सारे नगर सेवक पिछले 15 महीने से घर बैठे हैं। उन्हें क्षेत्र में जनता के बीच बने रहने, उनके काम कराने के लिए हर रोज विधायकों के यहाँ दरबार लगाना पड़ रहा है। इससे उनमें असंतोष है। उसी असंतोष को कम करने के लिए फडणवीस के घर बैठक कर बीएमसी चुनाव का फॉल्स संकेत दिया जा रहा है। बीएमसी चुनाव के झमेले, बीएमसी चुनाव का मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में लटका हुआ है। दूसरा मानसून सिर पर है। अक्टूबर नवंबर में त्योहारों का सीजन और दिवाली की छुट्टियां होंगी। ऐसे में बहुत से लोग मुंबई से बाहर होंगे। इसी दौरान विधानसभा अध्यक्ष को भी शिवसेना के विधायकों की पात्र अथवा अपात्रता के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन की मर्यादा में फैसला देना पड़ सकता है। अगर विधानसभा अध्यक्ष उचित समय में फैसला नहीं देते हैं तो शिवसेना इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले फैसले में शिंदे गुट के विप को मान्यता देने के फैसले को गैरकानूनी ठहराया था। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ये कह चुका है कि अलग होने वाला गुट मूल पार्टी पर दावा नहीं कर सकता। ऐसे में चुनाव आयोग का फैसला भी दांव पर लगा है। इतने सारे झमेले में अगर विधानसभा अध्यक्ष या सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया तो उद्धव ठाकरे के प्रति पहले से चल रही सहानुभूति की लहर फिर जोर पकड़ सकती है। इसी बीच मानसून खत्म होते होते तक राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मणिपुर के विधानसभा चुनाव आ जाएंगे। ऐसे माहौल में बीएमसी चुनाव कैसे होगा?